नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आज का इमरान का पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए जाना जाता है और वो है आतंकवाद। पाकिस्तान आतंकवाद बोता है और उसी का काटता है, उसी का खाता है। लेकिन आज की डेट में पूरी दुनिया पाकिस्तान से किनारा कर चुकी है, इसीलिए तो कश्मीर मसले को जहां जहां पाक लेकर गया वहां वहां उसको बेइज्जत किया गया और उसकी बात नहीं मानी गई। जिस तरह से दुनिया के हर फोरम पर भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी, अब इमरान खान एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब भारत के खिलाफ आतंकियों को बच्चों को निशाना बनाने के लिए भेज रहे हैं। ये बात हम नहीं, खुफिया विभाग को मिले इनपुट के आधार पर कहा जा रहा है। इमरान खान ने आतंकियों को आदेश दिया है कि वो स्कूली बच्चों को निशाना बनाएं। इसी बात को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया कि आतंकी स्कूली बच्चों को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए आतंकी बच्चों के दिमाग में खुराफात भरेंगे और भारत के खिलाफ बच्चों को तैयार करेंगे। इसके लिए बाकायदा पीओके में स्थित जमात इस्लामी को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कहा गया कि जमात इस्लामी बच्चों में कट्टरता का संचार करे और भारत के खिलाफ तैयार करे। जमात इस्लामी वही संस्था है जिसे सरकार ने प्रतिबंधित किया है, वही दूसरी तरफ घाटी में बने स्कूलों को खत्म भी कर रही है। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो लोग अपने बच्चों को जमात इस्लामी में मजबूर होकर भेजेंगे। इस तरह से पाकिस्तान का मकसद कामयाब हो जाएगा। भारतीय सेना काफी मुस्तैद है और आतंकियों को सबक सिखा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान इस स्तर तक गिर जाएंगे किसी को पता नहीं था। अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय इमरान खान भारत के खिलाफ बेहद गंदा और घटिया किस्म की चाल चल रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है और पाक के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले जब भारतीय संसद के दोनों सदनों ने कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया, तभी से पाक पीएम और पाक सेना काफी बौखलाहट में है। लेकिन विश्व समुदाय ने भारत का साथ दिया और इमरान खान को डांट लगाई। लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, ठीक उसी तरह पाक सेना और पाक पीएम सिर्फ और सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं और वो रट है कश्मीर की। लेकिन पाक पीएम को समझना चाहिए कि पाक की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। ऐसे में कश्मीर छोड़ पाक की जनता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कश्मीर पर गंदी राजनीति करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान है कि मानते ही नहीं।